बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ अंडा मैक्रोनी की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी को लेकर। मैक्रोनी सब लोग बहुत शौक से खाते हैं और चिकन मैक्रोनी तो ख़ास तौर पे। तो चिकन आजकल महंगी हुई हुई है, तो आप इस तरह से अंडा मैक्रोनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे ले लिए थे और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा और यहाँ पे 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा नमक जाएगा और यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ओरिगैनो पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और दूसरी साइड पे मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें 1 टीस्पून मैं नमक का डाल दूँगी और यहाँ पे 1 कप मैं मैक्रोनी का यूज़ कर रही हूँ जो एल्बो शेप में है, आप देख सकते हैं ऊपर तक भरा हुआ 1 कप है। तो जो ही हम इसको पानी में डालेंगे फ़ौरन से हमने इसको हिला देना होता है, अगर हम इसको हिलाएं नहीं तो ये नीचे चिपक जाती है तले के साथ, तो इसको ज़रूर हिलाइए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ऑयल का, तो इसको 9 से 10 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से बॉईल जो है गल चुकी है और इसको अब किसी छन्नी में इस तरीके से निकाल लूँगी मैं। तो इसको इस तरीके से निकालने के बाद मैं फ़ौरन से इसके ऊपर टैप वाटर जो है वो डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि जो ये मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें वो जो हमने अंडे जो फेंट के रखे हुए थे वो इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए बर्तन में इस तरीके से हम इसको पका लेंगे और जल्दी जल्दी से इसको इस तरीके से हम इसके चंक्स बना देंगे। अगर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये काम किया तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको चंक्स इसके बनाकर हम इसको अलग से साइड पे प्लेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी हो चुका है, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए और 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का हम होना चाहिए, बस हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना है 2 मिनट। और यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दूँगी इस पॉइंट पर आकर, और इसको भी हम अच्छे से भुनाई इसकी कर लेंगे खुशबू आने तक, इसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, तो ये हम 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चम्मच को साफ करके हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया, कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे ये सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने और ये काली मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून ही नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर भी डाला है। तो इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें पानी का डालते हुए हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो है अच्छे से बनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 जो है चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ मैं इसमें। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो चिकन क्यूब्स डाल दें, नहीं तो आप चिकन पाउडर है तो वो 1 टीस्पून डाल दें। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें विनीगर डाल रही हूँ और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को चेक करें आप कितनी खिली खिली सी बनी है। मैंने इसके बाद में पानी से निकालने के बाद ऑयल नहीं लगाया था, टैप वाटर बस इसके ऊपर मैंने डाल दिया था, तो इसकी वजह से देखें कितनी खिली खिली है। साथ ही में जो अंडे हमने चंक्स बनाकर रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं इस तरीके से मिक्स करने के बाद समझते हैं कि मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको 3 से 4 मिनट आप दिया करें, 4 से 5 मिनट भी आप दे दें तो अच्छे से इसके अंदर इसका जायका हर चीज़ का चले जाता है मैक्रोनी के ऊपर। तो यहाँ पे इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये बनी है। तो इसको अब मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो जैसे चिकन आजकल महंगी हुई हुई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।